उनके शिक्षा, मातृत्व, शिशु बालिका मदद, कन्या पुत्री विवाह, मृत्यु एवं दिव्यांगता जैसी तमाम सारी योजनाएं संचालित हैं, किंतु मेरे विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट में और पूरे जिले में सारी योजनाएं भ्रष्टाचारी अधिकारियों की भेंट चढ़ गई है। मेरे द्वारा बार बार शासन प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी विगत 2 वर्षों में श्रमिकों को कोई हित लाभ नहीं हुआ। चित्रकूट जिला मानवर जो आकांक्षी जनपद है, उसमें 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी श्रम प्रवर्तन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई। जो एक अधिकारी हुए मानिकपुर में तैनात हैं और वह भी योजनाओं का श्रमिकों को लाभ पहुंचाने की बजाय सभी आवेदन निरस्त करने में रुचि रखते हैं। 15 दिन वो मुख्यालय में रहते हैं, 15 दिन जिले में रहते हैं। इसके बावजूद बहुत सारे श्रमिक विभाग के चक्कर काटने का काम करते हैं। आपकी जो जीरो टॉलरेंस की बात आप कहते हैं, मेरे द्वारा LEO श्रम प्रवर्तन अधिकारी 22-23 के संदर्भ में कई बार शासन स्तर पर शिकायत की गई थी। जाँच में 3 बार वो दोषी पाए गए, उनको केवल आपने हटा दिया और आजकल वो कमिश्नर कार्यालय में कानपुर में तैनात है, पर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई आपके द्वारा नहीं की गई। चित्रकूट में तैनात सहायक श्रम आयुक्त एलसी द्वारा जुलाई 23 में लगभग 700 पत्रावलियों को बिना भुगतान किए पुनः जांच के लिए भेज दिया गया और उन्होंने कहा कि ये जांच सही से नहीं की गई। और मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान LEO द्वारा लगभग 5000 पत्रावलियाँ जो पेंडिंग पाई गई थी, जिस पर मेरे द्वारा जिलाधिकारी चित्रकूट से शिकायत करने पर CDO चित्रकूट द्वारा जाँच की गई थी। जाँच में LEO और ALC दोनों दोषी पाए गए थे और उनके के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी चित्रकूट ने श्रम प्रमुख सचिव श्रम को पत्र भेजा था, किंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मानवर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि हमारे जिले में 5000 में केवल 150 फाइलों को स्वीकृत किया गया, बाकी सारी फाइलों को निरस्त कर दिया गया। किसी में कह दिया गया कागज नहीं लगा है, किसी में कह दिया गया कि साफ कागज नहीं आ रहे। इसका मतलब कि किस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में होंगे। तो मेरा पहला अनुपूरक है आपसे मानवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, कि 2022 से लेकर अब तक जो भी पत्रावलियां जनपद चित्रकूट में LC और LEO द्वारा अस्वीकृत की गई हैं, क्या एक IAS अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच गठित कराकर उन पर जांच कराएंगे और जिन अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी चित्रकूट एवं शासन ने जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है, क्या उन पर आप कार्रवाई कराने का काम करेंगे। दूसरा अनुपूरक है मानवर, मेरे संज्ञान में आया है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 60 जिलों में सहायक श्रमायुक्त के पद हैं। 15 जिले जो अन्य हैं, जैसे महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, संत कबीर नगर है, चंदौली है, औरैया है, कन्नौज है, हाथरस है, पीलीभीत है, मैनपुरी है, एटा है, अमरोहा है, कौसाम्बी है, महराजगंज है, बलिया आदि में श्रमिकों के हित लाभ के लिए ALC के पद हीन हैं। इन जिलों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या इन जिलों में भी ALC का पद सृजित करके ALC की नियुक्ति की जाएगी। और जो तीसरा मैं अनुपूरक मानवर, श्रम विभाग में अपर आब्लिक उप श्रमायुक्त के मात्र 20 कार्यालय हैं और 30 कार्यालयों की और आवश्यकता है, जैसे जो बड़े जिले हैं, लखनऊ है, नोएडा है, कानपुर है, बरेली है, मुरादाबाद, सबका नाम इन क्षेत्रों में उप श्रमायुक्त कार्यालय में, क्या उन जगहों पर भी श्रमायुक्त अपर श्रमायुक्त कार्यालय बनाने पर सरकार विचार करेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, अनुपूरक जो प्रधान जी ने किया है मूल प्रश्न से एकदम से अलग है। तो आपने जानकारी हो तो दीजिए, नहीं हो तो मूल आपने जो कुछ शिकायतें कही हैं आप हमको लिखकर दीजिए और निश्चित तौर पर हम उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। दूसरा, अधिकारियों की कमी पर आपने कहा है, उसको हम व्यवस्थित तरीके से देख रहे हैं। किसी जनपद, हमारे लिए सारे जनपद पूरी तरीके से उतने ही महत्वपूर्ण हैं जहाँ पे अभी अधिकारी तैयार हैं या कार्यालय जहाँ पर है। जहाँ कार्यालय नहीं है वहाँ कार्यालय बनाने की हम प्रक्रिया चला रहे हैं, वहाँ कार्यालय खोलेंगे, जल्दी खुल रहे हैं। और जहाँ अधिकारी नहीं है वहाँ भी काम हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, वहाँ भी काम हम कर रहे हैं, अतिरिक्त प्रभार देकर काम कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो हम दूसरे विकल्पों पर भी विचार करेंगे। चित्रकूट के विषय में आप लिख के दे दें, क्योंकि आपने पर्टिकुलर लिखे केवल इस मेरा 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 अनिल जी निवेदन सुनिए, आपने जो ये जनरल प्रश्न किया था, हर जिले की जानकारी आप पूछेंगे तो मंत्री जी के पास होती, इसमें चित्रकूट आपने लिखा होता उनके पास, आप लिख के दे दीजिए मंत्री जी आपको जानकारी, मंत्री मेरा निवेदन है वो लिख के देंगे आपको जानकारी दीजिए। श्री रविदास मल्होत्रा पूछिए। अध्यक्ष जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ती हुई महंगाई से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। खाद्य एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं में
बेतहाशा रोज वृद्धि हो रही है और मूल वृद्धि के कारण से गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के कारण से लोग आत्महत्याएं करने को मजबूर हो रहे हैं। बहुत से परिवार महंगाई के कारण टूट गए हैं। मानो इतना गंभीर पूरे प्रदेश में महंगाई का विषय है, लेकिन प्रदेश जो उत्तर आया है मानव पढ़ लीजिए, इसमें प्रदेश सरकार कह रही है कि हमारी कोई वजह नहीं है, ये सारा अधिकार केंद्र सरकार को है, मूल वृद्धि पर नियंत्रण करना केंद्र सरकार को है। जब केंद्र सरकार अच्छा काम करती है कोई, तो प्रदेश सरकार ये कहती है कि डबल इंजन सरकार है। अब जब महंगाई की बात आती है तो कह रहे हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा, कोई मतलब नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है, पहला वर्ड, पहला लाइन, मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है मूल्य वृद्धि सामान्यता कृत्रिम स्वाभाविक कारणों से होती है, मूल्य वृद्धि के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा बाजार भाव को नियमित रूप से समीक्षा, राज्य सरकार समीक्षा करती है, ये कहीं नहीं लिखा, नहीं करती राज्य सरकार, यही है लिखा है, वो करती है। इसका इस प्रदेश सरकार के अंदर इतना गंभीर बात है कि महंगाई से जनता हाहाकार मचा हुआ, पूरा प्रदेश प्रभावित है और बहुत से परिवार टूट रहे हैं, आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि महंगाई पर अंकुश लगे। मानवर GST लगा दिया गया है, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर के ऊपर GST लगा दिया गया हो, और GST लगाने के कारण से मानवर महंगाई बढ़ने का बात हो रही है। अभी दबाव आया है कि ये 22 चीजें ऐसी हैं घरेलू उपयोग की है, क्या इसमें जो है पनीर नहीं है, दही नहीं होगा, लौकी और तुरई जो लोग सब्जी खाते हैं वो नहीं होगी, लेकिन तमाम ऐसी चीजें हैं जो दैनिक उपयोग की हैं, और उन उपयोग की वस्तुओं में GST लगाने के कारण से जो वृद्धि हुई है उससे महंगाई बढ़ी है। और जब दाम बढ़ते हैं पेट्रोल के एक बार तो माल भाड़ा बढ़ता है, और जब डीजल का दाम बढ़ते हैं और माल भाड़ा बढ़ जाता है उसके बाद माल भाड़ा कम नहीं होता है। ये जो सब्जियां आ रही हैं, उन सब्जियों में माल भाड़े में प्रश्न कर लीजिए ना मान्यवर, जो है मेरी पूरी बात सुन लीजिए, 3 मिनट हो गए, प्रश्न करिए, सुन लीजिए। अब इसमें कारण क्या दिया हुआ है कि महंगाई बढ़ने का कारण है MSP में वृद्धि और त्योहारों में मांग। मान्यवर त्योहारों के अलावा भी मूल्य वृद्धि होती है, और ये कोई उत्तर नहीं है कि MSP में। अब आपका प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न ये है कि क्या सरकार जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उसमें जो GST लगाया गया है आटा, दाल, चावल में, ये GST खत्म करने का काम करेगी? दूसरा सवाल मान्यवर ये है कि जो कालाबाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है, इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि प्रदेश में जमाखोरी हो रही है। जब जमाखोरी हो रही है तो कितने जमाखोरों को पकड़ने का काम सरकार ने किया है, और उसमें क्या मुकदमे लगाने का काम किया है? महंगाई को रोकने के लिए केंद्र सरकार पर आप कह दे रहे हैं, प्रश्न आप अपना बताइए, प्रदेश सरकार की क्या जिम्मेदारी है, और कैसे मूल वृद्धि कम होने की बात होगी, कैसे महंगाई पर अंकुश लगाने का काम होगा? और जब तक मान्यवर बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई कम नहीं होगी तो आत्महत्याएं हो रही हैं। प्रश्न है कोई नहीं है? हाँ, प्रश्न ये है, लोग मरते हैं भूख से, ये प्रश्न से मरते हैं, लेकिन रिपोर्ट आती है कि इसकी बहुत हार्ट फेल से हो गई। जब आदमी कई दिन भूखा रहता है, चलिए, इनका माइक बंद, कई अंग फेल जाते हैं, हो गया, 4 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 4 मिनट, चलिए माननीय मंत्री जी जो प्रश्न किया उसका उत्तर दीजिए, मान्यवर 4 मिनट हो गए, चलिए वो उत्तर सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए, उत्तर, चलिए ठीक है, हो गया, चलिए बैठिए ना, भाषण थोड़ी हो रहा है, प्रश्न का उत्तर, ये प्रश्न काल है, भाषण काल नहीं है मान्यवर, 4.5 मिनट पूछा इन्होंने, 5 मिनट। जैसा जवाब से स्पष्ट है, 22 चीजें ऐसी हैं जो दैनिक आवश्यकता की ही चीजें हैं। इन 22 चीजों में जो भाव है वर्तमान में, आपने जो दो बात कही है मैं उनके जवाब में कह रहा हूँ, इनमें मान्यवर अन्य प्रदेशों की भी मैं बता देता हूँ। चावल है मान्यवर, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 39 रुपये किलो है, राजस्थान में 45 है, हिमाचल में 42 है, पश्चिम बंगाल में 48 रुपये किलो है।
उत्तर आ जाए, जवाब आ जाए। अरे जवाब आने के बाद बोले ना, नहीं पूछा। मेहरोत्रा जी, गेहूं है मान्यवर हमारे यहाँ 29 रुपए है पर केजी है, राजस्थान में 33, दिल्ली में 30। चना दाल है मान्यवर हमारे यहाँ 85 रुपए किलो है, हिमाचल में 88 रुपए किलो है, दिल्ली में दिल्ली जैसी जगह पे 88 रुपए किलो है, पश्चिम बंगाल में 90 रुपए किलो है। अरहर दाल है हमारे यहाँ 168 रुपए है, राजस्थान में 180, दिल्ली में 170, 189 पश्चिम बंगाल, 175 रुपए हिमाचल। मूंग दाल हमारे यहाँ 119 रुपए किलो, हिमाचल में 127 रुपए किलो। हमारे यहाँ मान्यवर ये मूंगफली का तेल है 215 रुपये 21 रुपये, मूंगफली का जो हो तेल है मान्यवर। सरसों का तेल हमारे यहाँ 141, हिमाचल में 166, दिल्ली में 146। वनस्पति हमारे यहाँ मान्यवर एक तेल 115, दिल्ली में 126, हिमाचल में 139, पश्चिम बंगाल में 120। इसी तरह मान्यवर सूरज, एक मिनट सुन तो लेना, हम तो नहीं बोले। अरे एक मिनट सुन ले, मैं आपके बात का एक एक बात का जवाब दूंगा मैं आपका। आप ये मान्यवर हमारे यहाँ सूरजमुखी का तेल है 121 रुपए, राजस्थान में 132, दिल्ली में 139, बंगाल में 122। हमारे यहाँ मान्यवर प्याज 53 रुपए किलो, राजस्थान में 55, दिल्ली में 60, बंगाल में 70, हिमाचल में 67। हमारे यहाँ जिस पे बहुत हल्ला हुआ, हमारे यहाँ टमाटर 53 रुपए किलो, हिमाचल में 60, बंगाल में 60 और राजस्थान में 55। मान्यवर अभी ही आपने डीजल का जो जिक्र किया था, मैं इस पर एक दिन पहले भी बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश में डीजल 89 रुपये 76 पैसे है, राजस्थान में 93 रुपये 72 पैसे है, आंध्र प्रदेश में 99 रुपये 51 पैसे है, झारखंड में 94 रुपये 65 पैसे है। सभी 25 का मत की नहीं मान्यवर, सबसे कम हमारे यहाँ डीजल पे टैक्स है। और आप यदि अभी मान्यवर आप बात कर रहे थे पेट्रोल की, तो मैं वो पेट्रोल पे भी बता देता हूँ, आपका जो टैक्स था पेट्रोल पे, वो आपका जो वैट था वो 26% था आपकी सरकार में, हमारी सरकार ने कम करके 12% किया है। इसलिए जहाँ ढुलाई का सवाल है। और मान्यवर एक पोर्टल है जिस पे प्रत्येक जिले से केंद्र में रिपोर्ट जाती है भाव की, वहाँ जब केंद्र जिस चीज की कमी समझता है, हम लोगों को राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं वो उसे कंट्रोल करने के लिए। 2 जून को एक आदेश आया था यहाँ कंट्रोल करने के लिए, जिसमें गेहूं की लिमिट लगाई गई और दाल की ही लिमिट लगाई गई। मान्यवर इनके स्टॉक के लिए हमारे यहाँ जो स्टॉक लिमिट है मान्यवर, हमारे यहाँ वर्तमान में होलसेल लिमिट है 2000 मीट्रिक टन गेहूं, रिटेलर की है 10 मीट्रिक टन। इसी तरह अरहर और उड़द की दाल, इन दो पे केंद्र सरकार के निर्देश हैं, उन पे 2 जून को पाबंदी लगी, होलसेल में 50 मीट्रिक टन, रिटेलर पे 5 मीट्रिक टन। मान्यवर केंद्र सरकार जब कमी महसूस करती है राज्यों को निर्देश देती है, हम लोग स्टॉक चेक कराते हैं, जहां कहीं भी स्टॉक में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई होल्डिंग करने की कोशिश करता है उसके विरुद्ध हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। इस तरह की अभी तक कोई बात उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। संख्या 6 डॉक्टर रागनी, आपका डॉक्टर रागनी का उत्तर नहीं, अब 10 मिनट, 5 मिनट आपने पूछा, 5 मिनट मंत्री जी, डॉक्टर रागनी आपका उत्तर तो पहले आ गया, आपका उत्तर तो खन्ना जी ने पहले ही दे दिया बिना आगे वाला ले। नहीं बैठ जाइए, नहीं वो आंकड़े पेश किए वही सही है, आप उसको फर्जी, अब आप ढूंढ के बताओ तो उन्होंने जो आंकड़े दिए वो सही है, अगर आप उनको फर्जी कह रहे हो तो आप दूसरे जो सही है उसको लेकर आओ तब बताइए।
आप ला के मेरे को दीजिए। नहीं, बात सुन ली। देखिए आप दूसरे का प्लीज, आप आगे बहुत सारे प्रश्न हैं। नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा भी नहीं, आप बैठ जाइए। आपकी सीनियरिटी और आपको देखते हुए मेरे कोई कड़ा निर्देश देना पड़े तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज, नहीं आप न्यूसेंस मत करिए। वहां पर दाम ज्यादा है मान लिया, लेकिन बहुत से ऐसे प्रांत हैं वहां इससे कम भी है। वो आप बात मान्यवर ये है, उसी बात मान्यवर ये है कि ये उत्तर नहीं हुआ कि वहां महंगा है इसलिए हम महंगा कर देंगे। और इसमें जो है जो उसके लिए सरकार चिंतित है, उसके सरकार देख रही है। डॉक्टर रागिनी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे मुझे प्रश्न करने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, ये प्रश्न प्रदेश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन सरकार के लिए इसके कोई मायने नहीं है। सरकार महिलाओं को लेकर के बहुत ही असंवेदनशील है और मुझे लगता है कि महिलाओं को प्राथमिकता भी नहीं देना चाहती। अध्यक्ष जी, इस डबल इंजन की सरकार में महिलाएं कदम कदम पे अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। आज चाहे वो प्रदेश की महिला हो, चाहे वो ग्रामीण अंचल में रहती है या फिर शहरी, वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और वो कोशिश कर रही है कि किस तरीके से सम्मानजनक रूप से अपने जीवन का यापन कर सके, लेकिन यह सरकार अपनी तरफ से कोई भी पहल नहीं कर रही है कि किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल श्रम एवं सेवायोजन मंत्री जी से था कि सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं और इन योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी महिलाएं हैं जिनका उत्थान हुआ है। अध्यक्ष जी, प्रदेश की सारी महिलाओं को ये जवाब सुन के आक्रोश भी आएगा और साथ ही साथ खुद पे हंसी भी आएगी कि उन्होंने किन्हें चुन करके यहाँ पे भेजा है, क्योंकि जवाब यह है। अध्यक्ष जी, मैं जवाब पे आ रही हूँ। अध्यक्ष जी, जवाब पे नहीं, सवाल पे। जो जवाब है उसी से सवाल जुड़ा हुआ है। हाँ, बताइए। और जवाब ये है कि कोई योजनाएं नहीं है महिलाओं के लिए, और विगत 2017 से लेकर के 2023 तक की अगर हम बात करें तो उनमें सिर्फ और सिर्फ 44,000 महिलाएं हैं जिन्हें चयनित किया गया है। मंत्री जी, अगर आप जो आंकड़े दे रहे हैं उसके हिसाब से प्रत्येक वर्ष सिर्फ और सिर्फ 6,000 महिलाएं हैं जिन्हें चयनित किया गया है, ये बड़ा ही निराशापूर्ण भी है और शर्मनाक भी है सरकार के लिए अगर यह उत्तर आता है। मैं आपके उत्तरों की तरह गोलमोल ना घुमाते हुए और आपसे भी उम्मीद करती हूं कि स्पष्ट तरीके से जो मैं प्रश्न कर रही हूं उसका उत्तर आए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, जो कि आज 22 करोड़ की आबादी में आधी जनसंख्या हमारी है, उसके बावजूद भी इस आंकड़ों के साथ उत्तर आ रहे हैं, मैं आपसे ये जवाब चाहती हूं कि जिन 44,000 महिलाओं को आपके द्वारा रोजगार दिया गया, क्या आज भी 7 वर्षों में वो इस समय उस रोजगार पे हैं, और अगर हैं तो उनमें से कितनी सरकारी पे हैं और कितनी निजी संस्थानों में कार्यरत हैं, और उनमें से कितनी महिलाएं हैं जो पिछड़े वर्ग से हैं, दलित वर्ग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाएं हैं जो उस पे कार्यरत हैं। ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा यह है कि नारी वंदन विधेयक की बात करती है ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, आज महिलाओं को प्राथमिकता ना देने की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और आज ये डबल इंजन की सरकार महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी रैलियों में इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब उनके अधिकारों की बात होती है तो बातों को गोल मोल घुमाया जाता है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन से ये पूछना चाहूंगी, क्या ये सरकार महिलाओं को निजी एवं सरकारी जो संस्थान है उनमें 33% आरक्षण देने के बारे में विचार करेगी और या नहीं,
और अगर ये करेगी तो ये कब तक करेगी? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण आज उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार जवाब और भारत की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आज महिला सशक्तिकरण की बात को चरितार्थ कर रही है। एक बात जो आपने 44,000 कहा है, ये 44,000 तो जो रोजगार मेलों के माध्यम से सेवायोजन विभाग जो रोजगार मेले करता है उसके माध्यम से जो सेवायोजित की गई हैं बहनें उनका आंकड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने महिलाओं के उत्थान की बात कही है तो एक तो हम सरकारी सेवा में उनको रोजगार देकर उनको हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, दूसरा स्वरोजगार में उनकी मदद करके हम उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, हम उनका उत्थान कर सकते हैं, दूसरा हम जो दूसरे रास्ते हैं जैसे सरकार आज की तारीख में हम मिशन शक्ति योजना चला रहे हैं, योगी जी की सरकार ने मिशन शक्ति योजना चलाई और इसने एक उदाहरण देश में प्रस्तुत किया और उस योजना का अनुसरण आज देश के अंदर हो रहा है। आपने सरकारी नौकरियों में बात कही, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि सिर्फ गृह विभाग में गृह विभाग में मानवर सुनिए 22,000 से ज्यादा महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने का काम किया गया है। हमारे जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है मानवर, उसके माध्यम से 2022 से पहले 3,867 महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया मानवर, अभी 2022 से लेकर अब तक 9,681 महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया मानवर, 2017 से लेकर अब तक बेसिक शिक्षा विभाग में 48,776 महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया मानवर, और ये तो आज तो राजनीति से भी ऊपर उठकर आज सभी माताओं बहनों को आज मोदी जी की सरकार का अभिनंदन करना चाहिए जो इतने दिन तक लालीपॉप इस देश के अंदर दिया जा रहा था, आज आपके आरक्षण की बात को आगे बढ़ाने का काम किया है। और दूसरा, आपने कहा जनजाति अनुसूचित जाति और पिछड़ों के आरक्षण में महिलाओं को कहां का स्थान है, तो हमारी सरकार मानवर सरकारी सेवाओं में 20% क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्था हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने की है। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके उत्थान के लिए ये सरकार ने व्यवस्था की है मानवर। अभी हमारे परिवहन मंत्री जी ने कहा इसका लाभ किसको मिलेगा, ये हमारे परिवहन मंत्री जी ने कहा कि हम मुफ्त शिक्षा मुफ्त यात्रा हम कराएंगे, वो मानवर आ रहा है। और दूसरा हम ये कहना चाह रहे हैं और मानवर मैं तो माननीय सदस्य से मैं कहना चाहता हूँ कि आप दलित परिवार से भी हैं और आपके पिताजी हम लोगों के मित्र रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि हमारी कोई दलित बहन अगर रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, उद्योगपति बनना चाहती है, तो सरकार उसके मदद के लिए भी योजना लेकर आई है मानवर। और विशेष तौर पर मैं आपसे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से कितने बड़े पैमाने पर हमारी 8,37,104 बहनों को हम आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं मानवर। मनरेगा के माध्यम से जो हमारी गरीब माँ बहनें हैं उनके माध्यम से मानवर हमने 1,85,049 महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का हमने काम किया है मानवर। हमारी सरकार ने
हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जवाब दे दीजिए फिर आगे बढ़े। हमारी ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हमारी सरकार ने मान्यवर 37 जनपदों में 3,196 महिला स्वयं सहायता समूह का गठन करके 60,092 महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया जी। हो गया, नहीं आपका संरक्षण चाहिए। हाँ। इन्होंने दो सुनिश्चित प्रश्न किया था, वो पूछ लें। हाँ, पूछ लें वही। आपने जो पूछा आपको उत्तर मिल गया? नहीं अध्यक्ष जी, मुझे जो उम्मीद थी उसी प्रकार से उत्तर आपकी उम्मीद पूरी हुई ना, आगे चले। मैं अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी से एक सर्वप्रथम आपको आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने कहा कि मैं पढ़ करके आती हूँ, और जब आप जवाब दे रहे थे तो आपने कहा कि समूह सखियों को और किस तरीके से सरकार काम कर रही है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो था, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें हो रही है, ये कांग्रेस सरकार के समय से ये जो है वो लागू किया गया, और इसमें 75% जो है वो सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से बजट आता है, और रेस्ट जो होता है वो प्रदेश सरकार की तरफ से आता है। जबकि आपने इसकी बात की और मेरे जो सवाल थे उनके उत्तर भी स्पष्ट नहीं आए। मैं सिर्फ आपसे इसी पे बात करना चाहूंगी कि ये जो मिशन के अंतर्गत ये जो योजना है उसमें जियो के अकॉर्डिंग जो भी इसके अंतर्गत अधिकारी जनपद लेवल पे काम करते हैं उनका प्रति वर्ष 7% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। बाकी प्रदेशों में ये लागू भी कर दिया गया है, जैसे कि हमारे जो विसिनिटी में है, राजस्थान है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, लेकिन हमारे यहाँ विभाग के जो अधिकारी हैं उनके पास, अधिकारियों की बात नहीं करिए, महिलाओं के रोजगार की बात करिए, उस विभाग के सारे अधिकारियों की बात नहीं करिए। इसकी बात हुई है क्योंकि इसके जो अधिकारी हैं वो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। अगर उन अधिकारियों की रोड पे कोई मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। अगर सरकार सही में, अब वो सारे विभाग के कर्मचारियों की चिंता मत करिए, कर्मचारियों महिला अधिकारियों को जियो के अनुसार से उनकी इंक्रीमेंट सैलरी की होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप कहते हैं कि आपने जो डेटा दिया वो सिर्फ और सिर्फ जो आप मेला लगा रहे हैं उसका डेटा दिया, तो उसमें भी आपका जो जवाब है वो किसी भी तरीके से पूर्ण नहीं है, और बड़ा ही आप पूरा करता है। माननीय अध्यक्ष जी, मोहम्मद माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, जो मैंने कहा था माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये कहा था कि यूपी बीसी सखी योजना ये हमने लागू की, ये 2020 से लागू हुई है, और यही ये 22 मई 2020 को 2218.4849 करोड़ रुपए भी इसके लिए क्वांटिफाई की इस योजना के लिए। ये हमारी योजना है, उस वो आजीविका मिशन वाली योजना चल रही थी पहले से, लेकिन ये बीसी सखी मैंने कहा, केवल मैंने बीसी सखी कहा। और जहां तक योगी सरकार का सवाल है, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, जन्म से लेकर और शादी तक हर चीज का इंतजाम किया योगी सरकार ने, हर चीज का। आज जब 3 लाख रुपए से कम आमदनी, आप सुनिए, बार बार यहां बैठिए महिलाओं, वर्मा जी बात जवाब जवाब आने दीजिए। ये देखिए मान्यवर, जन्म से